सब लोग सो रहे हैं। मैं से अभी उठा, मतलब यार कल रात बहुत अच्छी नींद आई थी। सब लोग जो नीचे सो रहे हैं, वहाँ पर जो एक रूम है, यहाँ पर नीचे एक बेड है, मैं जो ऊपर सो रहा हूँ। और अभी जो है टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है गाइस। अभी भी यार सो के मतलब सब लोग जो है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अभी जो है आज हम लोग जाने वाले हैं कासरगोड, यहाँ से 6 का रोड होने वाला है। मतलब यार थक चुके हैं, आज शायद एक दिन के लिए हॉल्ट होगा, उसके बाद में कल जो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। कल सुबह यहाँ से निकलने वाले, मतलब यार कल रात में खाना खाया, इसका वीडियो जो मैं नहीं बना पाया क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थक चुके थे। कैसे खाना खाया, कैसे सो गया, बिल्कुल पता ही नहीं चला। अभी जो फटाफट से जो मैं एक बार फ्रेश हो जाता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ पर तो एक बैठे हुए यहाँ पर सो रहे हैं, और जो दो लोग यहाँ पर सो रहे हैं, वहाँ पर एक रूम है और जो वॉशरूम है, और मैं जो है भी यहाँ पर ऊपर सो रहा हूँ। ऑलरेडी जब मैं अपने सो चुका हूँ, अभी जब मैं फटाफट से आप लोगों को बाहर लेकर चलता हूँ एक बार। अभी जो फटाफट से हम लोग बाहर चलते हैं कि यहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और बाहर का व्यू। तो चलो अभी जो मैं आप लोगों को एक जो है यहाँ का बाहर का जो है नज़ारा बता देता हूँ। शूज़ को जो है पहन लेता हूँ। अभी जो है हम लोग चलते हैं सीधा, ये यहाँ पर बाहर जो है आप लोग मस्त नज़ारा देख सकते हैं। कल जो है रात को हम लोग पहुँचने में जो है इस रूम को ढूंढते ढूंढते हम लोग का मतलब ऑलमोस्ट नाइट जो हो चुका था, 7 o'clock के करीब जो हो चुका था, इसलिए रात के टाइम में जो है कुछ नहीं दिखा है। इसलिए अब मैं आपको एक बार बाहर का व्यू आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा ओपी है। अभी जो है हम लोग आज जो है कासरगोड में जाने वाले विंटेज होम्स थे, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। गए यहाँ पर हम लोग मतलब रह रहे हैं और वो रही हमारी गाड़ी, वो रही हमारी गाड़ी। और इस होम स्टे का नाम है विंटेज होम स्टे, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से यहाँ पर जो काम जो है कंस्ट्रक्शन हो रहा है और यहाँ पर ग्रीनरी मतलब यार बहुत ही ज़्यादा मस्त है। अभी जो है हम लोग जो है ब्रेकफास्ट करने के लिए कहीं पर बाहर जाने वाले हैं, उसके बाद में जो है सीधा हम लोग कासरगोड के लिए निकलने वाले हैं। कासरगोड से कासरगोड में आज हम लोग जो है एक दिन हॉल्ट होने वाले हैं, उसके बाद में जो है हम लोग सीधा निकल लेंगे। कल जो है हम लोग सीधा निकलेंगे अपने घर। यहाँ पर पीछे भी मतलब यार अच्छा है, और यहाँ पर जो है पॉट्स वगैरह भी है। और ये रही हमारी गाड़ी, और ये मतलब यार इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो देख सकते हो मतलब यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सजा कर रखा है। अभी जो हम लोग फटाफट से चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो ऑल राइट गाइस, हम लोग जो है यहाँ से अभी निकल चुके हैं। अभी जो हम लोग पूर्व द्वीप को जा रहे हैं, वहाँ पे जो है बोटिंग पॉइंट है, वहाँ से हम लोग जो है सीधा निकलने वाले हैं ऊटी। और यहाँ पर सीन देखो गाइस, ग्रीनरी जो है बहुत ही ज़्यादा है, देख ही सकते हो। अगर चैनल पर तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अभी जो मैं आप लोगों से मिलता हूँ सीधा बोटिंग पॉइंट। सो गाइस 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 गाइस, प्लान में जो एक छोटा सा चेंज आ गया। अभी हम लोग जाने वाले हैं कासरगोड नहीं, हम लोग जाने वाले हैं अभी ऊटी, क्योंकि ऊटी में जो है बहुत ज़्यादा फिरने की जगह भी अच्छे हैं। इसलिए हम लोग अभी यहाँ से एक बोटिंग पॉइंट में जाएंगे। बोटिंग पॉइंट के बाद में हम लोग जो है ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट के बाद में जो है सीधा हम लोग निकलने वाले ऊटी में। आज जो है हम लोग ऊटी में स्टे हो जाएंगे, फिर कल जो है ऊटी से हम लोग जाने वाले हैं मैसूर। मैसूर से जो है सीधा हम लोग जाने वाले हैं मड़िकेरी। मड़िकेरी में कल जो है स्टे होकर वहाँ से हम लोग परसों जो है
अपने घर के लिए निकलने वाले हैं। सो अभी जो है हम लोग फटाफट से निकलते हैं ऊटी की रूट की तरफ। अभी जो है फटाफट से हम लोग चलते हैं बोटिंग पॉइंट पर। सो चलो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना। सो चलो अभी फटाफट से चलते हैं बोटिंग पॉइंट। क्या ऑल राइट गाइज, हम लोग जो है यहाँ पर पूर्वदीप बोटिंग पॉइंट पर जो है पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर जो है गाड़ी वगैरह बहुत, शॉप्स वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अभी मैं जो है आप लोगों को एक व्यू जो है शॉप्स वगैरह का बता देता हूँ। और यहाँ पर पार्किंग के लिए बहुत ही ज़्यादा गाड़ी वगैरह भी आई हुई है। चलो एक बार शॉप्स का व्यू भी आप लोग देख ही लो। यहाँ पर आप लोग शॉप्स वगैरह देख ही सकते हो, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा शॉप्स है आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पर गाड़ी वगैरह भी देखो, मतलब यार बहुत ही ज़्यादा गाड़ी वगैरह है। अभी जो है हम लोग चलते हैं सीधा, ये रही हमारी गाड़ी, तो हमारा कार। और चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं अभी। और ओके यहाँ पर जो है और एक शॉप आ गया है, मतलब यार ग्रोसरी आइटम्स का, स्पेक्स वगैरह, शर्ट, टी शर्ट्स, कैंडी वगैरह, यहाँ पर भी शॉप्स है। यहाँ पर है आइसक्रीम वगैरह। और यहाँ पर आता है एक मंकी। ऑल राइट गाइज, हम लोग को जो है बोट में मिलने का जो चांस नहीं मिला क्योंकि टिकट जो है बिल्कुल नहीं है गाइज। मतलब यार कितनी कोशिश किया, टिकट ही नहीं मिला। सो बैड लक, वीकेंड है ना इसलिए, आज एक तो संडे है इसलिए जो है टिकट नहीं मिला। अभी जो है हम लोग जिपलाइन इधर है, जिपलाइन का टिकट मिलेगा, इसके लिए हम लोग कोशिश करने वाले हैं गाइज। हम लोग को जो है जिपलाइन का भी टिकट जो है नहीं मिला, टिकट जो है बिल्कुल नहीं मिला, मतलब यार टिकट सब कुछ खाली हो गया। इसीलिए अभी जो हम लोग सीधा निकलेंगे ऊटी की तरफ। अभी जो है सीधा बांडीपुर निकलने वाले हैं। सो चलो अभी फटाफट से चलते हैं सीधा बांडीपुर। अभी जो है हम लोग घूमते घूमते जो है लंच के लिए रुके हुए हैं। टाइम हो रहा है अभी 2:50 हो रहा है टाइम। अभी जो है फटाफट से हम लोग लंच कर कर वापस से ऊटी वाला देखना शुरू कर रहे हैं। फटाफट से हम लोग लंच कर लेते हैं। सो ऑल राइट गाइस, हमारा खाना जो है आ चुका है, आप लोग देख ही सकते हो। हम लोग ने बिरयानी ऑर्डर किया है, फटाफट से उसको खा लेते हैं। सो ऑल राइट गाइज, अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक जगह पर रुके हुए हैं। अभी जो है नमाज प्रेयर वगैरह कर यहाँ पर एक बस स्टैंड में आप लोगों को वो दिखाने के लिए यहाँ से आ रहा हूँ। अभी फटाफट से हम लोग जो है चलते हैं सीधा। ओके यहाँ पर जो है बस वगैरह बहुत है। यहाँ पर जो एक शायद बस स्टैंड है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, बताने के लिए आया हूँ। फटाफट से आप लोग एक जगह देख लो, उसके बाद हम लोग जो है फिर से ऊटी का जो है रूट कंटिन्यू करेंगे। ऊटी के लिए यहाँ से अभी शायद 95 किलोमीटर के करीब है, 90 किलोमीटर के करीब है। मैं जो है अभी फटाफट से आप लोगों को, यहाँ से एक बस आ रहा है, आप लोग देख लो फटाफट से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है सुल्तान बेतरी का एक बस स्टैंड है, कुछ देख सकते हो। मतलब यार बस के नाम जो है बहुत ही अलग है, ST मैरिस, ST थॉमस, KSRTC का ये बस स्टैंड। और यहाँ के बस में जो है डोर वगैरह होते हैं, अगर आप लोग आना चाहते हो तो आ सकते हो, यहाँ पर जो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप लोग वायनाड में आए हैं, अगर आप लोगों को रूम नहीं मिल रहा, तो मैंने जो हम लोग ने जो रूम बुक रूम में
कल रात ठहरे थे आप लोग वही रूम पर ठहर सकते हो। मेरी पिछली वीडियो में उसका जो ये विजिटिंग कार्ड जो विजिटिंग कार्ड है उसमें जो नंबर हो सकता है। अभी आप लोग यहाँ का बस स्टैंड का एक देख लो गाइस, बहुत सारे बस हैं। अभी जो है हम लोग फटाफट से चलते हैं सीधा वापस। ऑलराइट गाइस, हम लोग जो है पहुँच चुके हैं तमिलनाडु में और यहाँ पर जो है शॉप्स आप लोग देख ही सकते हो, मतलब ये बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है। और आगे जो है हिल है वहाँ पर जो है फॉग जो है बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, आगे आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, मतलब यार बहुत ज़्यादा फॉग है, ऊपर देख सकते हो लेकिन दिख नहीं रहा है। मतलब अभी हम लोग जो है वहीं पर जा रहे हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर पहुँच कर एक बार आप लोगों को सीन जो है बता दूंगा। सो अभी जो है फटाफट से चलते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर शायद डांस वगैरह हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। मतलब यार यहाँ पर भीड़ आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ज़्यादा थी गाइस। अभी जो है यहाँ पर ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यहाँ पर एकदम से जो है जैम हो गया था, इसलिए रूट जो है और भी ज़्यादा लॉन्ग हो गया, टाइम जो है बहुत ज़्यादा ले रहा है। इसलिए अभी जो है हम लोग फटाफट से चलते हैं और आप लोगों से वहीं पर जो है मिलते हैं। सो ऑलराइट गाइस, अभी जो हम लोग यहाँ पर ऑन द वे पर है, रात हो गया है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा है गाइस। टाइम हो गया है 7:10 हो चुका है और यहाँ पर ट्रैफिक मतलब यार बहुत ही ज़्यादा है, ठंड भी यार बहुत ज़्यादा है। अभी जो है हम लोग करीब हम लोग को 30 किलोमीटर के दूरी को जाना होगा। अभी जो हम लोग फटाफट से वहाँ पर चल करीब मिलते हैं।